आज की वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ GTA 6 का ग्राफिक मोड पैक। गाइस वेलकम करता हूँ आज के एक और न्यू वीडियो में, और आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में जो GTA 6 का ग्राफिक मोड पैक आपको देने वाला हूँ उसको GTA 6 ग्राफिक्स मोड पैक में क्यों बोल रहा हूँ, क्या रीज़न है कि उसको मैं GTA 6 का ग्राफिक्स मोड पैक बोल रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं इसमें ऐसी खास जो इस मोड पैक को GTA 6 बनाती है, और वो सभी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ कि आप इस मोड पैक को किस तरीके से इंस्टॉल करोगे, किस तरीके से आप इस तरीके के गेम प्ले को ग्रैब कर सकते हो, और आप कैसा ऐसा गेम खेल सकते हो, ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट आपको करने वाला हूँ वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ वीडियो के अंदर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे गेम प्ले आपको इस गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारी क्लिप्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो है गेम को इंस्टॉल करोगे और गेम को किस तरीके से खेलोगे, वो सब चीज़ें बताऊँगा। गाइस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड आई होप कि ये जो वीडियो है आप बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हो। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगेन मैं बोलूँगा कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ अपना चैनल का जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए, काफ़ी लोग ऑन नहीं कर रहे हैं बेल नोटिफिकेशन को, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत कम लोगों के पास जाता है। और वन मोर थिंग, हमारे चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर्स जो है कंप्लीट होने वाले हैं, और ये जो जर्नी है हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 20,000 की तरफ हमारी जर्नी जाती जा रही है, और 20,000 सब्सक्राइबर्स पे कुछ ऐसा स्पेशल भी मैं करने वाला हूँ, तो वो आपको आगे की वीडियोज में पता लगेगा। अभी के लिए फिलहाल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आप देखना चाहते हो इस गेम का गेम प्ले एंड गेम का जलवा, गेम का गेम, और पूरा आपको दिखने वाला है इस गेम का ग्राफिक्स मोड पैक इस वीडियो में दिखने वाला है, वीडियो आपको देखनी है टिल दी एंड। एंड मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस गेम को खेल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फीचर्स की बात करूंगा। इस गेम के अंदर जो ग्राफिक्स मोड पैक आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें आपको रियल ग्राफिक्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आप कंपेयर कर सकते हो एक हाई रियलिस्टिक ग्राफिक्स मोड पैक के, और उस ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर आपको ऐसे रियलिस्टिक कार्ड्स देखने के लिए मिलेगी, जिन कार्ड से आप लिटरली में एक्सपीरियंस ले पाओगे कि एक अच्छा हाई लेवल GTA का गेम आप जो है खेल रहे हो अपने फ़ोन के अंदर। और अगर आपका फ़ोन थोड़ा सा अच्छा है और आप इस गेम को हाई सेटिंग्स पे प्ले कर सकते हो तो इट वुड बी वेरी नाइस, क्योंकि अगर आप हाई सेटिंग्स पे इस गेम को रन करोगे इससे क्या होगा कि आपके गेम बहुत अच्छे ग्राफिक्स को प्रोवाइड करेगा, बहुत अच्छे रिफ्लेक्शन को प्रोवाइड करेगा। गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि इस मोड पैक में मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, इस मोड पैक को जिसने बनाया है जो या पे ऑथर है उनको मैं बिग थैंक्स प्रोवाइड करना चाहता हूँ, पूरा क्रेडिट उनको जाता है, उनका जो नेम है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हिम कि उन्होंने इतना अच्छा मोड पैक को क्रिएट किया है। और इस मोड पैक के बारे में और भी डिटेल आपको आगे जाके ही पता लगेगी, तो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो। एंड मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपको गेम प्ले से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, सो लेट्स गो टू द गेम प्ले। तो गाइस गेम प्ले में आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो खास चीज़ आप देख रहे हो, जो व्यू एंगल आप देख रहे हो इस गेम का, ये एक्चुअली में बहुत अच्छा है। मैं व्यू एंगल से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, और उसके अलावा अगर आप अपने कार्ड्स के रिफ्लेक्शंस देखोगे और अपने कार्ड्स को देखोगे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे वेदर चेंज करते हो तो वहाँ पे भी आपको एक नया एक्सपीरियंस प्रोवाइड होता है, अगर आप अपने गेम में वेदर चेंज करते हो क्लोज स्क्रिप्ट से, और जो व्यू एंगल आपको देखने के लिए मिल रहा है वो एक्चुअल में बहुत अमेजिंग है, तो वो आपको GTA 6 का जो है एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जो कि GTA 5 में भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। और उसके अलावा जो रियलिस्टिक कार्ड्स है वो तो आपको देखने के लिए ही मिलने वाली है, GTA 5 की भी आपको कुछ कार्ड्स देखने के लिए मिल जाएगी, जो स्पोर्ट्स कार्ड्स है और जो कि GTA 5 में भी नहीं है, वो भी कार्ड्स आपको इस वाले गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। और उसके अलावा जो स्काई बॉक्स है दैट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग, क्योंकि स्काई बॉक्स ऐसी चीज़ होती है जो गेम को, जो मोड पैक को बहुत ज़्यादा अच्छा गुड लुकिंग बनाती है, तो वो इस गेम के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ऑल्सो वन मोर थिंग, इस मोड पैक में ऑथर ने जो मॉडिफिकेशन किए हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग किए, यहाँ पे इस मोड पैक में एक बहुत मेजर जो है मॉडिफिकेशन है जो कि है यहाँ पे ट्रैफिक, यहाँ पे ऑथर ने ट्रैफिक को इतना कम कर दिया है कि उससे क्या होगा कि आपका अगर लो एंड डिवाइस भी होता है तो भी आपका गेम जो है बहुत ज़्यादा कम लैग करने वाला है, क्योंकि होता ये है कि जब हमने गेम में ज़्यादा ट्रैफिक होता है, मींस जब ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रीट पे और बहुत सारी व्हीकल्स चल रही होती है एक ही रोड पे,
तो इससे होता ये है कि हमारा गेम क्रैश करने लग जाता है। लेकिन इस मॉड पैक के अंदर जो ऑथर है उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा कम कर दिया है और इस वजह से आपका गेम बहुत ज़्यादा स्मूथ चलने वाला है एंड आप अपने गेम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो क्योंकि आपके लो एंड डिवाइस में भी ये गेम बहुत अच्छा चलने वाला है और अगर हाई एंड आपका डिवाइस है तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये गेम बिल्कुल लैग नहीं करने वाला है, क्रैश नहीं करने वाला है और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करने वाला है। जैसा कि आप गेम प्ले के अंदर देख सकते हो ये जो गेम प्ले है ये 6GB रैम के फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ है और मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिली है। लाइक मैक्स टू मैक्स सेटिंग मैंने इस गेम को चला के यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस मुझे प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ लिटरली अमेजिंग। और कुछ कुछ प्लेसेस पे आपको बहुत सारी ऐसी लाइटिंग्स देखने के लिए मिल जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है और एक्चुअल में आपको लगेगा कि ये पूरा गेम चेंजर हो सकता है आपके गेम के लिए। लाइक पूरा गेम आपका ऐसा चेंज हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस एक मॉडपैक के अंदर हो आई वुड रिकमेंड कि यार इस वाले मॉडपैक के साथ एक बार जाओ, एक बार ट्राई करो क्योंकि बहुत सी नई चीज़ें आपको दिखने के लिए मिल जाएगी और मिशंस तो आपके वही रहने वाले हैं। एंड द वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप मिशंस अभी कर रहे हो GTA San Andreas के तो अगर आप इससे मिशंस को करोगे तो आई थिंक आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि जो कार्स है वो पूरे की पूरी यहाँ पे चेंज्ड है एंड यहाँ पे जो रोड के रिफ्लेक्शंस है एंड रोड है जो ग्राफिक हर मोड पैक में होते हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो ऑथर है वो यहाँ पे क्रिएट किया है। तो एक्चुअली दिस इज़ वेरी अमेजिंग एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि अब मैं इंस्टॉलेशन पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको गेम प्ले के बारे में सब कुछ बता दिया है तो अगर इंस्टॉलेशन के बारे में मैं बात करूँ तो इंस्टॉलेशन के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, इंस्टॉलेशन का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है और इंस्टॉलेशन की जो वीडियो है इससे पहले मैं अपलोड कर दूंगा। ये जब वीडियो आएगी उससे पहले इंस्टॉलेशन की जो वीडियो है वो आ जाएगी और उस इंस्टॉलेशन वीडियो वो जो है वो सब मोड पैक के लिए अप्लाई रहेगी गाइस। जी हाँ, वो जो इंस्टॉलेशन वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो भी मैं मोड पैक प्रोवाइड कर रहा हूँ एवरी डे तो नहीं कहूँगा मैं, हाँ बट दो दिन में वीडियोज आ रही है तो दो दिन में आपको जो मोड पैक देखने के लिए मिलेगा उसको किस तरीके से आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना रहेगा, वो मतलब किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना रहेगा तो वो जो प्रोसेस है मैं एक वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं वो वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। हाँ लेकिन इससे पहले वो वीडियो आ जाएगी तो डोंट वरी अबाउट द इंस्टॉलेशन। एक बात और बताना चाहूँगा कि इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस होता है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, लाइक काफ़ी लोगों को पता भी होगा, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता है बट जिन लोगों को पता है उनको बट जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं सिंपली एक बार रिकैप दे देता हूँ पूरा कि क्या करना है। APK एंड डेटा फाइल डाउनलोड करना है। APK एंड डेटा फाइल डाउनलोड करने के बाद में एक ही APK को इंस्टॉल करेंगे और डेटा फाइल को एक्सट्रैक्ट हेयर करके और वहाँ पे पासवर्ड डाल के जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड करोगे और उसके बाद में जो आपको फाइल मिलेगी उसको वहाँ पे आपको जस्ट वहाँ से कट करना होगा और अपने एंड्रॉयड डेटा फोल्डर के अंदर पेस्ट करना होगा और अपने GPU के अकॉर्डिंग वहाँ पे नेम चेंज कर देना है आपको मोड पैक के अंदर, लाइक डेटा फाइल्स के अंदर जा कर के एंड TXDB में जा कर के आपको कुछ फोल्डर्स होते हैं नेसेसरी फोल्डर्स के नेम चेंज करने होते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, आई नो गाइस, मैं वो जो वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ तो प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड, यहाँ पे कुछ भी डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है गाइस। आप मोड पैक को ईजी डाउनलोड करिए, आपको वो वीडियो जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड आई होप कि ये जो वीडियो है आपने इंजॉय करी होगी। थोड़ा सा ये वीडियो मुझे लगता है लॉन्ग हो गया है, आई होप कि आपने ये वाली जो वीडियो है पूरी देखी है एंड आपको अच्छी लगी है। गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ये वीडियो कैसी लगी है और मुझे नेक्स्ट वीडियो के बारे में सजेशन देना। एंड आपको जैसे मैंने बताया 20,000 चैनल पे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं तो क्या यहाँ पे अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ। एंड गाइस मैंने आपको बताया 20,000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे कंप्लीट होने वाले हैं तो यहाँ पे आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा कि 20,000 सब्सक्राइबर्स पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, टिल देन मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड फॉर नाउ बाय गाइज़।